नमस्कार दोस्तों, मिहित सीरियल के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मिहित हुड्डा खुद अपनी बहन यानी कि मानुषी की जान बचाती हुई नजर आएगी और जान उस समय फंसी हुई होगी कि जब बच्चे के लिए दोनों लड़ते हैं और बच्चा फाइनली पहुंच जाता है मिहित हुड्डा के पास में। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसका पैर फंस जाएगा क्योंकि मिहित हुड्डा को दुख होगा कि कैसी भी सही लेकिन है तो मेरी बहन, वो तुरंत ही मानुषी की जान बचाने के लिए खुद उस बिल्डोजर पर चढ़ जाएगी और फाइनली उसकी जान बचा कर ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों मिहित हुड्डा ने हमेशा से ही देखा गया है कि अपनों के लिए जान तक की बाजी लगाने को भी तैयार रहती है और अब फिलहाल मानुषी को जो कि पछतावा भी होगा थोड़ा घना अपने आपे पे कि मैं तो इसे मारना चाहती थी, मैंने इसके साथ में क्या क्या नहीं किया और फाइनली मेरी जान जो बचाई है वो फिलहाल मेरी बहन ने ही बचाई है। वहीं पर ही दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार इधर देखने को मिलेगा कि मिहित अलावा खुश भी नजर आएंगे कि उसके बच्चे की वापसी हुई है लेकिन वो बहन पर बहुत ज्यादा भड़कते हुए नजर आने वाले हैं। मासूम पर तो पूरा घर ही भड़कता हुआ नजर आने वाला है क्योंकि मासूम की वजह से ही मिहित हुड्डा और मिहित अलावत के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हुई थी क्योंकि दूरिया जो पैदा हुई थी वो मासूम का हाथ रहा था, ज्यादातर आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन इधर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मासूम की बहुत गंदी तरीका से पोल खुलती और डांट लगती हुई नजर आने वाली हैं, जिसमें कि मिहित अलावत बोलते हुए नजर आएंगे अपनी बहन के लिए कि जाओ आज के बाद में मैंने तुमसे हर संपर्क हर रिश्ता तोड़ता हूं क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि अगर मुझे कोई भी ऐसी शिकायत मिली कि तुम मानुषी के साथ में मिली हुई हो तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों मानुषी शुरू से ही गद्दार थी और मानुषी ने जो गद्दारी की है उसकी झलक पहले से थी मिहित अलावत को, और मिहित अलावत ने हमेशा से ही समझाने की कोशिश की अपनी बहन से कि तुम जितना हो सके मासूम इतना दूर रहो इस लड़की से क्योंकि आपने देख ही लिया होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।